शंकर जी के मंदिर में ऐसे ही लोटा उठाकर मत चले जाओ, मत जाओ, क्यों टाइम पास करने जा रहे हो? समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल कथा में मत जाओ, क्यों टाइम पास करने के लिए जा रहे हो? कथा में जाना तो वहां से 3 घंटे की कथा में से 1 क्षण की कथा ऐसी लेकर जाना कि मेरा बाबा मेरा है और मैं मेरे बाबा की हूं। अब मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा साथ देगा, अब दुनिया से भिड़ जाऊंगी। तो कथा में जाओ, 200 ग्राम भोजन रोज करते हो, कितना खाते हो? अरे बोलो बोलो जम के, कितना जम के तो बोलो जरा, 200 200 ग्राम भोजन रोज करते हो, आपके डॉक्टर साहब के परिचित हो तो उनसे जाकर पूछना कि 200 ग्राम भोजन में से ७० प्रतिशत भोजन शरीर से निकल गया, 30% में पानी आदिक में निकल गया, कुछ परसेंट बचा, उसमें से 200 ग्राम भोजन से 20 बूंद खून बनता है, कितना बना? जम के बोलिए जरा, 20 बूंद। 20 बूंद खून में से 2 बूंद खून ऐसा होता है जो हमारे शरीर में बल प्रदान करता है, उसके लक्षण देखे जाते हैं कि वो लक्षण उसमें है। 200 ग्राम भोजन में से 2 बूंद खून हमारे शरीर को मरते दम तक चला देता है, उसी तरह 3 घंटे की कथा में से 1 सेकंड की कथा हमें शंकर से मिला देती है, मात्र 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड की कथा, 1 मिनट की कथा। अगर जिसने दिल से सुन ली, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने विश्वास कर लिया, जो जान गया शिवमेरा में शंकर की, जो समझ गया व्यर्थ समय बर्बाद करने के लिए शिवपुराण में नहीं जाना, व्यर्थ समय पर बर्बाद करने के लिए भीड़ नहीं बढ़ाना, जाना है भगवान शंकर पर भरोसा करने के लिए जाना कि मैं शिवपुराण की कथा में गई हूं, मैं आज से ये विश्वास लेकर जाती हूं कि मैं अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर होगा वहां 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरे घर के बच्चे बच्चे को भेजूंगी, परिवार को भेजूंगी, और घर का 1-1 बच्चा शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएगा, और ये मेरा विश्वास कहता है कि बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा, तब मेरा देव